तो आज हम जा रहे हैं जी कासिम अली शाह साहब को लाइव देखने। बैठ के सुकून से पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को चुल आ जाती है, तो फिर उनके चुल के लिए जाना पड़ता है। आज मैंने माइक लगाया हुआ था, मैंने कहा देखते हैं माइक में आवाज़ कैसे रिकॉर्ड होती है, दूर होता है ना फ़ोन इस तरह। तो हम वहाँ पर जा रहे हैं, कुछ मेरे साथ फ्रेंड्स हैं, तो देखते हैं कितना मज़ा आता है आज वहाँ जाके। वैसे इस टाइम हम यहाँ थे इस बिल्डिंग में, कुछ काम करते हैं, वो आपसे बाद में शेयर करेंगे कि करते हैं क्या है। लेकिन कासिम अली शाह साहब आ रहे हैं, बल्कि आ चुके होंगे, शुरू हो चुका होगा, हम लेट हैं, तब हम जा रहे हैं। सिटिंग इन माय लाडो एंड रेडी टू गो। पहुँच गए जी हम यहाँ पर। यहाँ पर मुझे भी आवाज़ आ रही है कासिम अली शाह साहब के बोलने की, और इस टाइम हूँ जी मैं इनेबलर्स पे, इनेबलर्स के वॉर्ड में जो वाई ब्लॉक में है। तो अब हम ऊपर जाएंगे और देखेंगे आगे क्या सीन है, क्या मोटिवेशन चल रही है वहाँ पर। माइक शाइक की आवाज़ से यहाँ तक आ रही है, ये सीढ़ियाँ। चार सालों के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इंजीनियरिंग के चार सालों में 100-400 बच्चों में से सिर्फ दो के पास गाड़ी थी। आप सब जिनके पास एंड्रॉइड सेलफोन है, जो साल के दो बार तीन बार जोड़ने के लिए था, मैं इसकी बात कर रहा हूं, प्लीज झुग्गियों की बात इस वक्त ना करें, ग्राउंड रियलिटी की बात। ये सब कुछ होने के बावजूद हमें यकीन नहीं है सवारी के हम आए, हमारे बड़ों के पास ये सवारी नहीं थी। तो पता लगा कि ये आज हमारे पास कोई विजन नहीं, 20 ईयर का विजन नहीं। अगर ये विजन होगा तो हम आगे चलते। क्वेश्चन कर दीजिए जी सर, लास्ट क्वेश्चन जी। ठीक है, इसे बैठ जाए, मैं सवाल ही ले सकता हूँ आपके। असल में सवाल होता है, आप मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं। अच्छा, मैं आप ट्रेनर हैं, मैं जानता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ, जिंदगी में सवाल करना भी सीखो। तो इसके अंदर जो हमारे क्लेम कोट है इन्वेस्टर का कि नेवर गिव अप, या आपने गिव अप नहीं करना। सर जो मोटिवेशन मैं दो स्टेज से गुजरा हूं, मेरे पास क्लाइंट आया रिसेंटली, तो जो मोटिवेशन आपको क्लाइंट दे सकता है, मतलब हमारे सूफी शायर कहते हैं मियां मोहम्मद साहब, सब्र का फल मीठा होता है, बेसब्र का फल कौड़ा। जो फ्रूट है सब्र का वो मीठा है, जो बेसब्र का फल है वो कड़वा है। सबर का फल मिठा होता, बेसबरा फल कोड़ा। मंजिल वो पा नहीं सकता जिहड़ा कह जांदा है सोड़ा, जल्दबाज बंदा कभी मंजिल नहीं पा सकता। सर की नियम है, नहीं मिलेगा शुरू में क्लाइंट, क्या हो जाएगा? चार लोग रिजेक्ट करेंगे क्या हो जाएगा? दो क्रिटिसाइज करेंगे क्या हो जाएगा? सर आखिरकार तो काम अल्लाह ने देना, वो ऐसा राजिक है, वो हर एक को पाल रहा है और वो असबाब पैदा कर रहा है। खबर नहीं है, एक हमारे ट्रेनर उन्होंने कहानी लिखी, बड़ी पुरानी बात है, मैंने इसको किताब में पढ़ा, किताब का नाम रोड टू सक्सेस है, 22 साल की किताब में कहानी लिखी, पुरानी मैंने कहानी पढ़ी आज से 10-20 साल। वो कहते हैं लड़का था, तो वो रोज पार्क में वॉक करता था, लारस बाबे जना की बात, उसको किसी ने वो तबलीगी जमात के हमारे प्यारे भाई ने सिखाया, यार मुस्कुराया क्यों सुना? अच्छा, हम में से कई लोग मुस्कुराना भूल गए होते हैं, गौर से देखिएगा वो पता लगेगा 1947 से पहले उसको जो गोरा रोज वहां से गुजरता था और इस्लाम करता, उसके पीछे एक काली हंगो वाला, एक इंटेलिजेंस क्यूब वाला बंदा पीछे पीछे चला। तो इसने इसको एक दिन हेलो किया, हेलो, जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर काउंटर को, हेलो हाउ आर यू, जवाब नहीं आया। थर्ड डे, हेलो हाउ आर यू, यस आई एम, हां मोर लाइक जॉब। आगे कहानी सुनो,
भाई साहब साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि उस वक्त जब वो किताब लिख रहे थे अमेरिका ने उसकी टॉप 10 जो कार्गो कंपनी उस कर दी थी और वो कहते हैं इसके पीछे वो स्माइल छोटी सी स्माइल कि आपका इस बढ़ा के हमारा मसला ये हम हमें तो एक वो जो व्हाट्सएप पे स्माइल देनी होती है वो भी पता नहीं हम किसको भेज हम तो घर जाते हैं मुंह बने होते हैं तो भाई राशिक क्लाइंट राशिक नहीं जो भी सोचता है क्लाइंट राशिक है भाई अल्लाह उसके भी दिल में ना डाले तो रिस्क ना और वहां एक बुजुर्ग मिलेंगे सीने पे हाथ रखेंगे कुछ पढ़ेंगे मसला नारे क्या बाबा शिफा तो वही नाम बिल्कुल आपको पता कहते थे मुझे भी हुक्म मिला है कि मैंने तुम्हें मिलना है ऐसे हाथ रखना है दम करना ठीक करना है हाथ रखा दिल की कैफियत बनती बंदा ठीक हो जब बाबा जी जाने लगे तो मतलब तू मेरा एड्रेस रख ला अगली बार फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं दसी उन्हें एड्रेस पढ़िया गया दे विच सुटिया उन्हें कहा जिस रब ने तुम पहले भेजा वो फिर भेज दे कि बिनो ये ईमान होना चाहिए आपके दरवाजे पे आपके सामने पकी रोटी आपका दाल दलिया बंदोबस्त रखने के वो मिल के रहना है जब ये यकीन है कि मिल के रहना है तो फिर प्लीज क्लाइंट बहुत अच्छी बात इखलाक अच्छी चीज है लेकिन असल में मेरा मालिक जो अजल से पाल रहा है अब तक पाल रहा है बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू तो एक छोटा सा सेशन कासिम अली शाह साहब का एंजॉय कर रहे हैं हम जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग लेट हो गए थे तो लेट होने की वजह से फिर हम लोगों को वापस भी जल्दी आना पड़ा क्योंकि वो तो निकल गए तब हम यहाँ पे अपनी लाडो में बैठेंगे और वापस चले जाएंगे जहाँ से हम आए थे